हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग तिवारी। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मेरी बिहार जुडिशियल सर्विसेज में 44th रैंक आई है और आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। आप सबको पता है जैसे कि बिहार जुडिशियल सर्विसेज 3-stage प्रोसेस होता है जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है। फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि प्री की कैसे तैयारी करते हैं। आप जानते ही हैं कि प्री की तैयारी बहुत वास्ट होती है, उसमें सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है, तो उसके लिए मैंने सिंगल पब्लिकेशन की बुक रेफ़र करी थी और साथ ही साथ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जो कि सिंगल पब्लिकेशन के आते हैं, उसके माध्यम से मैंने अपनी तैयारी करी थी प्री की। और मैं अपने जितने भी साथी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी सक्सेस जो होती है वो पहली बार में नहीं मिलती। सफलता पहली बार में ज़रूरी नहीं कि सबको मिल जाए, बहुत फेलियर्स का भी सामना करना पड़ता है। तो प्री की तैयारी करते वक्त आपको ये ज़रूरी है कि आपको बेयर एक्ट पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए और जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है जो कि 100 नंबर का होता है, उसके लिए आप कोई भी मैगज़ीन जो कि करंट अफेयर्स में आपके लिए हेल्पफुल हो, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो, दृष्टि हो, वो कोई भी आप रेफ़र कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ल्यूसेंट की एक किताब आती है जो कि जनरल स्टडीज़ में बहुत ही अच्छी होती है, अच्छी मानी गई है। रही बात मेंस की, तो मेंस में बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के आप चूज़ कर सकते हैं, जिसमें 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से आपको 3 चूज़ करने पड़ते हैं। और उसमें जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, जनरल साइंस का पेपर होता है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो उसमें ज़्यादातर बच्चों को मैं यही सुझाव दूंगा कि उसमें ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत ही बेसिक पेपर होता है। रही बात बाकी लॉ के पेपर की, तो उसमें 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होते हैं 5 में से। उसमें से मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिन लॉ, हिंदू और मॉर्मन लॉ और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्च चूज़ करा था। और इसके लिए मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे बिहार जुडिशियल सर्विसेज के और साथ ही साथ झारखंड जुडिशियल सर्विसेज के, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे उसको एक बार एनालाइज करा और वो एरिया देखी जहाँ से ये लोग सवाल जनरली पूछते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट होते हैं मेंस की तैयारी, आपको इतना समय ज़रूरी नहीं होता है, इतना मिलता नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ लें। तो इसीलिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि हाँ, आप लोग कहीं ना कहीं एनालाइज़ करें, देखें कि कौन सी एरिया से इन लोग के सवाल ये लोग फ्रेम करते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करें। और ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे हैं जिससे आप लॉ की और जनरल साइंस और जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर सकते हैं। और आपका मेंस जो होता है वो 850 नंबर का होता है, जिसमें से आप इस बार अभी मेरा रिज़ल्ट आया, मार्कशीट आई है, तो उसमें मेरे 515 नंबर मेरे मेंस में थे। अब हम लोग बात करते हैं मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में। बहुत बच्चों में ये कन्फ्यूज़न होता है कि मेंस की आंसर राइटिंग किस तरह करते हैं, और मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ कि हाँ, कैसे मैंने मेंस की आंसर राइटिंग करी थी। मैंने शुरुआत में ही बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, क्योंकि मेंस में हम लोग को इतना समय नहीं मिलता कि हम लोग हर एक टॉपिक से गो थ्रू हो पाए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है आप लोग को कि मेंस होने से पहले आप सब लोग 1-1.5 महीने पहले से ही मेंस की आंसर राइटिंग करना शुरू कर दें और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो कि आखिरी में आपके रिवीजन के लिए कहीं ना कहीं बहुत लाभकारी होते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेंस में बिहार में जनरल साइंस मेरे लिए सबसे टफ सब्जेक्ट था, क्योंकि 12th के बाद से मेरा साइंस से कोई भी रिलेशन नहीं था। तो जनरल साइंस के लिए मैंने काफ़ी अपने जो सीनियर्स थे और जो साथ में तैयारी कर रहे थे उनसे मैंने बहुत सारा सुझाव लिया था। उन्होंने मुझे यही बताया कि आप ल्यूसेंट की गाइड जो आती है साइंस की, जनरल साइंस की, उससे आप तैयारी करिए, उससे आप नोट्स बनाइए। और कई सारे मेरे मित्र थे जिन्होंने जनरल साइंस के नोट्स बना के मेरी हेल्प करी थी उसमें, और नोट्स बनाने में भी हेल्प करी और अपने नोट्स प्रोवाइड भी कराए मुझे। दूसरी बात ये रही कि बहुत छात्र भ्रमित रहते हैं कि राइटिंग कैसी होनी चाहिए। मेरा यही सुझाव है कि आंसर राइटिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ही ज़रूरी नहीं कि बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हाँ, रीडेबल होनी चाहिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ामिनर होता है उसके पास पहले ही बहुत सारी कॉपीज़ होती है, और अगर आपकी जो राइटिंग है उसको समझ में नहीं आ रही होती है तो वो जनरल मार्किंग कर देता है। और मेरा ये आप लोगों से सुझाव है कि जो आंसर राइटिंग होती है उसको आप पॉइंट्स में लिखिए, क्योंकि पैराग्राफ जो होता है वो बहुत लेंदी हो जाता है और कई बार जो एग्ज़ामिनर जो कॉपी चेक करता है वो डिसइंटरेस्ट रखता है कि वो जब पैराग्राफ में कोई भी आंसर होता है वो जनरली। मैंने इस बिहार मेंस में ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि मैंने अपने आंसर्स जो भी थे सारे पॉइंट्स में
मेन मेन पॉइंट्स लिखे थे उसके, और शुरुआत में मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग लिखने से पहले आप हमेशा लॉ, जो अगर लॉ का पेपर है तो उसमें हमेशा पॉलिसी जो होती है लॉ की वो ज़रूर लिखिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे रेस जुडिकाटा पूछ लेते हैं तो उसमें आपको पॉलिसी लिखनी होगी कि रेस जुडिकाटा किस लिए आया है, क्यों बनाया गया है, लेजिस्लेचर ने रेस जुडिकाटा क्यों इंसर्ट करा है CPC में। जैसे फॉर एग्जांपल रेस जुडिकाटा आया है टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, तो आप ये अगर पॉलिसी लिख देंगे लॉ की तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है उसको ये लगता है कि हाँ लड़के को पहले से बहुत सारी चीज़ें क्लियर है, और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव लगता है जब आपका आंसर वो पढ़ता है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग करते वक्त आप एक दो एग्जांपल्स जो होते हैं वो ज़रूर दे दीजिए अपनी तरफ से, क्योंकि एग्जांपल जो होते हैं वो आपका आंसर को और अच्छे से ईजिली से उसको समझाने में बहुत मददगार होते हैं। रही बात करेंट अफेयर्स की, तो करेंट अफेयर्स के लिए मैं ये आपसे कहूँगा कि हाँ आप कोई भी जो मैगज़ीन आती है मार्केट में, जैसे मैंने बिहार जुडिशियल सर्विसेज़ के जनरल स्टडीज़ के पेपर के लिए प्रतियोगिता दर्पण रेफ़र करी थी, जो कि बहुत ही अच्छी किताब है, और उसमें उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। उसकी जो 6 मंथली बुक आती है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि उसमें सारा कंसाइज में दिया रहता है, तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी आप लोग कोई भी किताब हो, चाहे दृष्टि की हो, चाहे कोई और मैगज़ीन हो, आप उससे जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर सकते हैं। रही बात जनरल स्टडीज़ में जो स्टैटिक पोर्शन आता है उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्पेक्ट्रम जो होती है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की से डील करती है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। और साथ ही साथ ल्यूसेंट की जनरल स्टडीज़ की किताब आती है, जिससे जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, और नॉट इवन बिहार के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल किताब है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग की वजह से ही आप जुडिशरी क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी जुडिशरी की तैयारी 2017 के बाद से शुरुआत करी थी, जब मेरा लॉ ख़त्म हो गया था, मैंने कोई भी कोचिंग कहीं से भी नहीं करी थी, बस मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने जो कोचिंग जाते थे उन्होंने मुझे अपने नोट्स प्रोवाइड करे, मैंने खुद के नोट्स बनाए, मैंने कई सारी बुक्स रेफ़र करी, और साथ ही साथ मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जुडिशरी या कोई भी कॉम्पिटिशन क्रैक करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत होती है। कोचिंग हाँ आपको गाइडेंस देता है, लेकिन हाँ आप खुद से भी क्रैक कर सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, बीट UPSC, बीट जुडिशरी या बीट SSC, कोई भी एग्ज़ाम हो। और अब आते हैं इंटरव्यू के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो कोचिंग्स हैं बहुत सारी दिल्ली में, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करा था, जहाँ पे आपको इंटरव्यू बुकलेट प्रोवाइड होती है, जिसमें बहुत ही कंसाइज में इंटरव्यू के में जो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं वो दिए होते हैं। तो आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मॉक इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी होता है। मॉक इंटरव्यू आपको ये बताता है कि आप कितना तैयार है रियल इंटरव्यू फेस करने के लिए। जैसे मैंने दिल्ली में 2-3 जगह मॉक इंटरव्यू दिए थे, तो मुझे पता चला था कि मेरी खामियां कहाँ पे हैं, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, मैं बोलने में कहाँ सोचता हूँ, ज़्यादा देर पॉज लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत मददगार होती हैं जब अगर आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो मेंस होता है प्री एग्ज़ाम के बाद, मेंस के लिए जनरली बिहार में 2-3 महीने का समय मिलता है, तो उतना समय आप अपना तैयारी कर सकते हैं, और काफ़ी जो आपको नोट्स होते हैं, जो आप अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो वो उस दौरान आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आपको फिर से बुक खोल के रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुक बहुत लेंदी होती है, टॉपिक बहुत वास्ट होता है, तो आपको अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। 30th बिहार जुडिशियल सर्विसेज का जो मेंस का रिज़ल्ट आया था वो अराउंड अक्टूबर में आया था, तो और इंटरव्यू के लिए समय आपको मेरे ख्याल से 10-15 दिन के बाद इंटरव्यू शुरुआत हो जाती है। बिहार में दरअसल इंटरव्यू बहुत लंबा चलता है, क्योंकि इसमें 2 शिफ्ट में इंटरव्यू होता है, और 24-24 के बैच में, एक शिफ्ट में 24-24 के बैच में बच्चों को बुलाते हैं। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 23 नवंबर को हुआ था, और इंटरव्यू जो होता है बिहार जुडिशियल सर्विसेज में, उसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, ना कि नॉलेज टेस्ट होती है, क्योंकि जो मेंस होता है उसमें आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाती है। तो मैं जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नर्वस होकर कभी भी इंटरव्यू मत दीजिए।
मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, हर कोई इंटरव्यू में नर्वस होता है, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना ज़रूरी है, क्योंकि जो पैनल होता है वो उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको पहली बार में ही देख के समझ जाते हैं कि आप कितने ज़्यादा नर्वस हैं। और इंटरव्यू में आपसे जो फॉर्म भरवाया जाता है उसमें आपकी लाइक्स, डिसलाइक्स और आपकी हॉबीज़ वगैरह एक्स्ट्रा पूछी जाती है। और इंटरव्यू जो होता है वो अराउंड 10 to 20 minutes जो होता है वो चलता है आपका। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि जो बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए, आपसे मैं यही सुझाव दूंगा कि मैंने तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता दी, लेकिन हर एक इंडिविजुअल को अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों में अपनी स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाइए। प्री और मेंस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे मैंने पहले बताया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एक बार ज़रूर गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ये आवश्यक है, क्योंकि इनसे कई बार ऐसा होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही डायरेक्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में आ जाते हैं। और मैं आखिरी में यही कहूँगा आप लोग से कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, मेहनत करते रहिए, आपको आखिर में ज़रूर आपका लक और आपका भाग्य ज़रूर आपका फेवर करेगा। और मैं लास्ट में अपने माता पिता, फ्रेंड्स, भाई और मैं अपने फ्रेंड अंजलि को थैंक्स बोलना चाहूँगा, मनीष को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इन लोग ने काफ़ी सपोर्ट करा मेरे इस पीरियड में, इन लोग ने मोटिवेट करा हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में। और मैं यही आपसे भी कहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करिए, निडर होके और हमेशा मोटिवेटेड रहिए, फेलियर से डरिए मत, और ज़रूर भगवान आपकी ज़रूर साथ देगा। थैंक यू।